IBN 7 हौसला है। हिट एंड रन मामले में सलमान खान की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सरकारी पक्ष ने इस मामले में दो गवाहों को कोर्ट में पेश किया, जिसमें मेडिकल अधिकारी और आरटीओ अधिकारी शामिल थे। इन दोनों ने कोर्ट में जो बयान दिया, उससे सलमान खान पर आरोप तय करना बेहद आसान हो सकता है। सुबह लगभग 11 बजे सलमान खान अपनी दोनों बहनों अलविरा और अर्पिता के साथ कोर्ट पहुंचे। हिट एंड रन मामले में सरकारी पक्ष अपने दो अहम गवाहों को पेश करने वाला था। पहले पेश हुए गवाह डी के बालाशंकर FSL में असिस्टेंट केमिकल एनालिस्ट के तौर पर कई सालों से काम कर रहे हैं। मैंने अल्कोहल के हजारों टेस्ट किए हैं। 1986 से काम कर रहा हूँ। 30 सितंबर 2002 को मैं ड्यूटी पर था। उस दिन मेरे पास JJ अस्पताल से टेस्ट के लिए एक ब्लड की बोतल आई। बांद्रा पुलिस स्टेशन से लेटर आया था, शराब की मात्रा कितनी है। ठीक से जवाब नहीं देने पर मैं आपको हॉस्टाइल कह सकता हूँ। कोई ऐसे गवाह को धमका नहीं सकता। पहले मैंने मॉर्फिन लाइन टेस्ट किया, जो पॉजिटिव था। खून में 62 ml शराब पाई गई थी, मतलब 100 ml। खून में 62 ml शराब थी। इस बयान से साफ हो गया कि हादसे की रात को सलमान खान बहुत ज्यादा नशे में थे। उन्होंने जो रिपोर्ट बनाई थी उसमें बताया कि उनका 62 मिलीग्राम 100 ml में अल्कोहल कंटेंट पाया गया, और मोटर व्हीकल एक्ट का सेक्शन 185 बहुत साफ साफ कहता है कि अगर थोड़ा भी अल्कोहल ब्लड में पाया जाए तो वो मान लिया जाएगा कि वो इट इज एन ऑफेंस अंडर मोटर व्हीकल एक्ट 185 और ड्रंकन ड्राइविंग का केस माना जाएगा। इस मामले में दूसरे गवाह थे RTO अधिकारी, उन्होंने बयान दिया। हादसे के बाद कार की पूरी तरह से जांच की गई थी। कार के ब्रेक बिल्कुल ठीक थे, कार के कुछ हिस्से टूटे हुए जरूर थे, लेकिन ब्रेक ठीक से काम कर रहे थे। जाहिर है ये बयान भी सलमान खान की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। इस बयान से साफ है कि कार में कोई तकनीकी खराबी भी नहीं थी। केमिकल एनालिसिस किया, उस CA ने कोर्ट के सामने बताया कि उनके पास जो ब्लड गया उस ब्लड में 62 mg अल्कोहल था। गाड़ी को बाहर डैमेज हो गया था वो बताया, गाड़ी के सब ब्रेक स्टीयरिंग जो सब इंटैक्ट था वो भी उन्होंने बताया, गियर बॉक्स इंटैक्ट था सब बताया। आपको बता दें कि ये मामला साल 2002 का है, जब आरोप लगे थे कि सलमान खान ने नशे की हालत में कार चलाई और सोते हुए लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई थी जबकि 4 लोग घायल हुए थे। इस पूरे मामले में 19 गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज हो चुके हैं। फॉरेंसिक लैब के अधिकारियों ने माना है कि खून के जो नमूने उनके पास आए थे, उन नमूने में भी शराब की मात्रा काफी ज्यादा पाई गई है, जिसके बाद सरकारी पक्ष काफी मजबूत दिख रहा है। हालांकि बचाव पक्ष ने भी अपनी दलीलें रखी, लेकिन किसकी दलीलों में कितना दम है ये तो कोर्ट तय करेगा। लंबा समय होने के बाद कोर्ट भी चाहता है कि इस मामले का फैसला जल्द से जल्द हो। मुंबई से कैमरामैन दिग्विजय के साथ विवेक गुप्ता, IBN 7।